हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉ का पेपर। देखिए बीए एलएलबी या एलएलबी का आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पेपर था आज, उसको डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं फुल आंसर की आपको देने वाला हूँ। इसका बहुत ही ईजी पेपर था, इसमें नो डाउट कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको नहीं आते। देखिए पहला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी पूछ रहा है, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये है 1932 है। ओके, सेकेंड का जो आंसर है आपका वो सी है जी। थर्ड का जो आंसर है वो ए है। ओके, फोर्थ का आंसर देखिए इसमें डाउट था पर डाउट क्लियर किया है। इसमें जो फर्स्ट आंसर है आपका फर्स्ट की ओर रहेंगे आप। ठीक है, फिफ्थ का जो आंसर है, फिफ्थ का जो आंसर है वो सी है। सिक्स का जो आंसर है वो टू है यानी कि डी। सेवन का जो आंसर है वो ए है। ओके, सेवन का जो आंसर है वो ए है। एट का जो आंसर है वो सी है। नाइन डाउटेबल था, छोड़ दिया है। आप देखिए जो डाउटेबल क्वेश्चन है उन्हें होल्ड पर रखा है, हमने सॉल्व नहीं किया है। आप उन्हें अपने कंटेंट से सर्च कर सकते हैं, अगर कोई आपको मिलता है तो हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए टेन का डी है, डी आंसर की ओर जाएंगे। इलेवन का आपका बी है। ओके, ट्वेल्व डाउटेबल था, थियोरेटिकल क्वेश्चन थे इस वजह से इन्हें छोड़ा है। देखिए इसमें थर्टीन का डी है आपका। ओके, थर्टीन का डी है। फोर्टीन का डी है। फिफ्टीन का आप देखेंगे ए है, 15 का ए है। 16 का बी है। ओके, 16 का बी है। 17 का ए है। ओके, 18 का आपका डी। 19 का सी। ओके, 20 में आप देखेंगे 20 का जो है यहाँ पर डी है। 21 का आप देखेंगे ए। 22 का आप बी। 23 का सी। 24 का ए। 25 का ए। 26 का आप देखेंगे तो ये डाउटेबल था, छोड़ा है। 27 का सी। 28 का सी। 29 का ए। 30 का ए। 31 का आप देखेंगे इसमें बी है, क्या है बी। ओके, ये देखिए ये जो है डाउटेबल क्वेश्चन था, इसे पर सर्च किया है बाद में तो इसका आंसर जो मिला वो बी है, बी आप इसका आंसर लगाएंगे। 32 का ए है। ओके, 33 का आपका जो है वो ए है। 34 का आप डी लगाएंगे। 35 का आप डी लगाएंगे। 37 का आप देखेंगे, 37 का बी। 38 का ए। 40 का आप देखेंगे सी। 41 का सी। 42 का ए। 43 का डी। ओके, 44 का, 45 का ए। 46 होल्ड है, 47 होल्ड है, 48 होल्ड है, 49 होल्ड है, ये क्वेश्चन होल्ड है जो ड्रॉप किए हैं। देखिए 52 को डायरेक्ट किया है, 52 से देखेंगे बी। ओके, 53 का बी। 55 का देखेंगे, 55 का है अभिकर्ता एजेंट्स। ओके, 56 में आप देखेंगे ये ए है। ओके, 57 में आप देखेंगे, देखिए इसका ए है, प्रोसेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन होता है। 58 का आप देखेंगे सी। 59 का डी। 60 का ए। 61 का सी। 62 का ए। 63 का डी। 64 का ए। 65 का बी। 66 का देखिए आप इसमें, देखिए एक तो ये ए और आपका सी में डाउट है हमें, आप हम सी की ओर गए हैं, आप देख लीजिएगा, आप ए की ओर भी जा सकते हैं, आप सर्च करिएगा तभी जाइएगा, ये डाउटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, 67 हम जो गए थे प्रॉपर्टी यानी कि डी। ओके, 68 डी। 69 बी। 70 बी। ओके, 71 सी। 72 ए। 73 डी। 74 ए। 75 बी। 76 ठीक है, देखिए इसमें एक और था कि नहीं है, यानी भागीदारी फर्म का विघटन तरीका नहीं है, कौन नहीं है ये इसमें देखिए बी और डी में है, बी और डी में है। अगर आप देखें तो डी भी हो सकता है क्योंकि कोर्ट कभी भी विघटन का तरीका नहीं, कोर्ट द्वारा विघटन हो सकता है, अनुबंध द्वारा विघटन हो सकता है, तो इसमें जो है डाउट था मुझे
आप इसे रीचेक कर लीजिएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। 75 का मैं बी क्लियर कर रहा हूँ, आप उसे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। 76 का आप देखेंगे तो 76 का ए है, ओके 76 का ए, 77 का ए, 78 का डी, 79 का ए, ओके 80 का सी, 80 का सी, 81 का ए, 82 का डी, 83 का ए, 84 का बी, 85 का बी, 86 का सी, 87 होल्ड और 88 होल्ड, है ना। अभी जो किया है वो 91 है, 91 का बी, 92 का बी, 93 का ए और 94 का डी, 96 का ए, 97 का देखिए होल्ड किया है, 98 होल्ड किया है, ओके यहाँ पर 100 किया है सीधा, 100 का बी। ये थे देखिए, ये 100 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली मैंने करीब करीब आपको 80 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, 20 क्वेश्चंस मैंने होल्ड रखे हैं। इसमें आप अपनी आंसर शीट को चेक कर सकते हैं कि कितना स्कोर आपने अटेम्प्ट किया है। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर वीडियोज देख सकते हैं और पेपर के आंसर पा सकते हैं। हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, हम आगे भी आपको आंसर की देते रहेंगे अदर अदर यूनिवर्सिटीज़ की। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी की है, LLB की, BLLB की, अभी आपको BED का भी आपको हमारे चैनल पर आंसर की मिल जाएगा। BED का अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, BED का भी मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की जो टॉपेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ उनकी भी आपको यहाँ आंसर शीट मिलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उन्हें हम ईजी वे में आपको कराएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।